हेलो एवरीवन, माय सेल्फ श्वेता कंवर एंड टुडे आई टॉकिंग अबाउट ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। सो वी विल बी स्टार्ट नाउ। सबसे पहले हम इसके अंदर बात करने वाले हैं, पैसेज ऑफ सब्सटेंस थ्रू द मेम्ब्रेन कैन बी डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। मतलब कि मेम्ब्रेन के अंदर जो ट्रांसपोर्ट होता है सब्सटेंस का, वो टू कैटेगरीज के अंदर डिवाइड होता है। फर्स्ट है डायरेक्ट पैसेज विदाउट इन्वॉल्विंग ऑफ एनी कैरियर प्रोटीन्स। कैरियर प्रोटीन और मॉलिक्यूल दैट मीन के डायरेक्ट जो सेल मेम्ब्रेन है उसके थ्रू मॉलिक्यूल्स का अंदर से बाहर और बाहर से अंदर जाते हैं, ट्रांसपोर्ट होता है। पैसेज एंड सेकेंड है पैसेज थ्रू द चैनल और कैरियर प्रोटीन। दिस इज रियली कॉमन। ये चैनल और कैरियर प्रोटीन के थ्रू जो पैसेज होता है, ट्रांसपोर्ट होता है। बट जो है डायरेक्ट मेम्ब्रेन के थ्रू जो ट्रांसपोर्ट होता है, वो ओनली फॉर लिपिड सब्सटेंस या लिपिड मॉलिक्यूल्स के साथ ही हो सकता है। बिकॉज यू ऑल नो अबाउट दिस, सेल मेम्ब्रेन जो है वो लिपिड बाय लेयर होती है, लिपिड से ही बनी हुई होती है। तो वो लिपिड मॉलिक्यूल्स के लिए को अंदर आने देती है। और वाटर मॉलिक्यूल्स इज नॉट टू बी अलाउ फॉर द ट्रांसपोर्ट इनटू द सेल मेम्ब्रेन। सो जस्ट लाइक सोडियम पोटेशियम, दे आर नॉट अलाउड टू बी इनसाइड इन द सेल मेम्ब्रेन। सो दैट रियली वांट टू बी चैनल गेट्स और कैरियर प्रोटीन। सो आई विल स्टार्ट टाइप्स ऑफ प्रोटीन चैनल्स। प्रोटीन चैनल्स आर टू टाइप्स, आयरन चैनल एंड वाटर चैनल। आयरन चैनल आर डिवाइडेड इन मैनी टाइप्स, सोडियम चैनल, पोटेशियम चैनल और कैल्शियम चैनल एंड क्लोराइड चैनल। सोडियम चैनल्स के अंदर सोडियम जो है ओनली फॉर सोडियम ही सेल के अंदर आ सकता है। कैल्शियम चैनल से भी ओनली फॉर कैल्शियम मॉलिक्यूल्स ही सेल के अंदर आते हैं। पोटेशियम चैनल के अंदर पोटेशियम सेल के बहार या अंदर मतलब आ जाते हैं। और कैल्शियम के अंदर भी ओनली फॉर कैल्शियम मॉलिक्यूल्स ही बाहर या अंदर आ जा सकते हैं। वाटर चैनल्स मतलब कि जो वाटर के लिए सॉल्युबल हो, जो वाटर को अंदर आने देते हैं, जैसा कि वाटर रीअब्जॉर्प्शन होता है किडनी के अंदर, वी नो अबाउट दिस। तो ये वाटर चैनल जो है किडनी के अंदर बेसिकली प्रेजेंट होते हैं वाटर चैनल्स। तो ये नॉर्मल प्रोटीन चैनल्स हमने देखे। अब आगे हम देखते हैं गेटिंग ऑफ आयन चैनल्स। आयन चैनल्स है उनके अंदर एक गेट होता है जो कि डिफरेंट आयन्स को पास होने के लिए, वो एनी टाइम तो गेट खुले नहीं रहते हैं आयन चैनल के, वो किसी स्पेसिफिक रिस्पॉन्स के थ्रू ही वो ओपन होते हैं। तो उसके रिस्पॉन्स के बेसिस पे ये तीन टाइप के होते हैं, वोल्टेज गेटिंग, लिगेंड गेटिंग और केमिकल गेटिंग। ओके, तो वोल्टेज गेटिंग के अंदर क्या होता है कि सेल मेम्ब्रेन हमारी जो होती है तो वो है बाहर तो पॉजिटिवली चार्ज होती है और अंदर इनसाइड जो है वो नेगेटिवली चार्ज होती है। तो जो वोल्टेज चैनल के अंदर क्या होता है, कोई भी पॉजिटिवली चार्ज मॉलिक्यूल जब सेल से बाहर से अंदर एंटर करता है तो ये पॉजिटिवली चार्ज मॉलिक्यूल आसानी से अंदर आ सकता है, क्योंकि ये भी इसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज होता है और सेल मेम्ब्रेन भी पॉजिटिवली चार्ज होती है। तो ये इसको इसके लिए परमेबल हो जाती है, इसको जल्दी से आसानी से आने देती है अंदर। तो ये वोल्टेज गेटिंग के अंदर होता है कि अगर आयन पॉजिटिव है और मेम्ब्रेन भी पॉजिटिव है तो वो आपस में बॉन्ड बना के अंदर आ जा सकते हैं। ओके, सेकेंड है लिगेंड गेटिंग के अंदर क्या होता है कि जब मेम्ब्रेन जो होती है सेल मेम्ब्रेन, उसके ऊपर कोई लिगेंड बाहर से आकर अटैच्ड होता है जो कि सेल के आयन चैनल्स को ये मैसेज पहुंचाता है कि कोई स्पेसिफिक आयन अंदर आना चाहता है ना।
तो उसके लिए एक लिगेंड पहले से आके जुड़ जाता है, तो आयन चैनल्स एक्टिवेट हो जाते हैं और वो ओपन हो जाते हैं, और फिर वो स्पेसिफिक आयन जो होता है वो अंदर एंटर कर जाता है। ये बेसिकली लिगेंड्स के हेल्प से होता है। और थर्ड जो है हमारा वो है मैकेनिकल गेटिंग। मैकेनिकल गेटिंग क्या होता है कि जब सेल हमारे सेल के अंदर या हमारे बॉडी के अंदर कोई स्ट्रेस जनरेट होता है, तो वो स्ट्रेस के रिस्पॉन्स में वो एक वेरिएबल हमारे उस पर सेल मेम्ब्रेन पे लगता है। जिस स्ट्रेस के रिस्पॉन्स के अंदर कोई पर्टिकुलर आयन अंदर से बाहर या बाहर से अंदर जाता है, तो वो मैकेनिकल गेटिंग होता है। ओके, वो मैकेनिक स्ट्रेस के थ्रू जनरेट होता है, इसलिए इसको मैकेनिकल गेटिंग बोलते हैं। ओके, ये बात हो गई गेटिंग्स की। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ कैरियर प्रोटीन्स की। कैरियर प्रोटीन कितने टाइप के होते हैं? फर्स्ट हम देखते हैं इसके अंदर यूनिपोर्ट। यूनिपोर्ट मतलब कि दैट ट्रांसपोर्ट ओनली वन सब्सटेंस। सेल मेम्ब्रेन के थ्रू ओनली वन सब्सटेंस ही ट्रांसपोर्ट हो सकता है, जो कि एक चैनल गेट होता है उसके थ्रू। जैसे कि एग्जांपल है, सोडियम चैनल ट्रांसपोर्ट ओनली सोडियम और पोटेशियम चैनल ट्रांसपोर्ट ओनली पोटेशियम। सो दैट विल बी स्पेसिफिक फॉर स्पेसिफिक आयन, तो इसको यूनिपोर्ट बोलते हैं, यूनिपोर्ट चैनल बोलते हैं हम। कैरियर प्रोटीन बोलते हैं यूनिपोर्ट कैरियर प्रोटीन। सेकेंड जो रहता है वो है सिमपोर्ट ट्रांसपोर्ट, जो कि दो सब्सटेंस को बाहर से या अंदर से एक ही डायरेक्शन के अंदर फ्लो कर सकता है, ट्रांसपोर्ट कर सकता है। जैसे कि कोई स्पेसिफिक आयन अंदर आना चाहता है, दो आयन, एक दो या दो से ज़्यादा, तो वो उसको एक ही डायरेक्शन में, जैसे कि सोडियम एंड ग्लूकोज, ऑल्सो वी नो अबाउट दिस के इंटेस्टाइन, ये जो ग्लूकोज और सोडियम है इनका ट्रांसपोर्ट होता है फ्रॉम द ल्यूमेन ऑफ द इंटेस्टाइन और किडनी ट्यूबुल इनटू द एपिथेलियल सेल, है ना। ये इसी का एग्जांपल है, जिसके अंदर की कोई दो मॉलिक्यूल्स या दो सब्सटेंस एक ही साइड से एक ही डायरेक्शन के अंदर अंदर या बाहर आ सकते हैं, मतलब ओनली फॉर एक ही डायरेक्शन में आते हैं वो। एंटीपोर्ट के अंदर, एंटीपोर्ट ट्रांसपोर्ट के अंदर अपोजिट साइड से सब्सटेंस एंटर कर सकते हैं। इट मीन कि कोई सब्सटेंस जो है, जो कि बाहर से अंदर आ रहा है, उसी टाइम में कोई दूसरा सब्सटेंस अंदर से बाहर भी जा सकता है। जैसे बाहर से अंदर कोई सब्सटेंस आ रहा है, माना कि कैल्शियम जो है वो सेल के अंदर, वो पोटेशियम सेल के अंदर आ रहा है और सोडियम सेल से बाहर जा रहा है, तो दिस इज़ द एंटीपोर्ट। ये जो है सोडियम पोटेशियम पंप के अंदर हमको दिख जाता है, जिसके अंदर की टू पोटेशियम सेल के अंदर आते हैं और थ्री सोडियम सेल से बाहर जाते हैं टू द एटीपी हाइड्रोलाइजेस। ओके, तो ये इसका एग्जांपल हो गया। अब हम बात करते हैं ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म अक्रॉस सेल। ये होता है तीन टाइप के मैकेनिज्म होते हैं, पैसिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट। हम सबसे पहले पैसिव ट्रांसपोर्ट के बारे में बात करते हैं। पैसिव ट्रांसपोर्ट इज़ अ डाउन हिल पास थ्रू द मेम्ब्रेन फ्रॉम द बोथ साइड। पैसिव ट्रांसपोर्ट के अंदर क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स दोनों साइड से सेल के अंदर आ जा सकते हैं, और ये मूवमेंट होता है वो इलेक्ट्रिकल गार्डियन के साइड में होता है, उसके अलोंग द इलेक्ट्रिक गार्डियन। इलेक्ट्रिक गार्डियंस क्या होता है कि अभी हमने देखा कि पहले सेल है वो आउटसाइड से पॉजिटिवली चार्ज होती है, इनसाइड से नेगेटिवली। तो जब कभी भी कोई पॉजिटिवली चार्ज आयन सेल के अंदर आने की कोशिश करता है, तो उसके लिए वो इजी रहता है पॉजिटिव सेल के अंदर एंटर करना, बिकॉज वो पॉजिटिवली चार्ज आउटसाइड से नेगेटिवली चार्ज इनसाइड आ रहा है, तो ये अलोंग द इलेक्ट्रिकल गार्डियंस हो गया। ये इलेक्ट्रिक गार्डियन के डायरेक्शन में होता है, उसके सेम डायरेक्शन के अंदर होता है, तो
ये इलेक्ट्रिक गार्डियन किस डायरेक्शन के अंदर होता है, तो उसके लिए कोई भी मेटाबॉलिक एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इसके एग्जांपल होता है डिफ्यूज़न, फैसिलिटेड डिफ्यूज़न और ऑस्मोसिस, इसके एग्जांपल है मेन। अब हम बात करते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट की। एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज़ अपहिल ट्रांसपोर्ट, ये अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक गार्डियन होता है। इसके अंदर क्या होता है कि कोई भी पॉजिटिवली चार्ज आयन सेल के अंदर से बाहर जाता है, जो कि इलेक्ट्रिक गार्डियन के पॉजिटिव होता है, अपोजिट होता है। बिकॉज नेगेटिव चार्ज अंदर है और पॉजिटिवली चार्ज आयन बाहर जा रहा है, तो इसके अंदर ये अपोजिट डायरेक्शन के अंदर हो गया, जिसके अंदर की एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि एटीपी के रूप में एनर्जी प्रोवाइड होती है इस ट्रांसपोर्ट के लिए। तो ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट है जो कि अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक गार्डियन हो गया और एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है फॉर द यूटिलाइजेशन ऑफ एटीपी। पैसिव ट्रांसपोर्ट अलोंग द इलेक्ट्रिक गार्डियन और नॉट द रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी। ये बेसिक हमने इसका देखा कि क्या होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक्टिव ट्रांसपोर्ट। फिर अगेन एक्टिव ट्रांसपोर्ट टू टाइप्स में होता है, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के एग्जांपल जब हम देखें तो वो होते हैं सोडियम पोटेशियम पंप। ऑल्सो सोडियम पोटेशियम पंप के अंदर क्या होता है कि सेल मेम्ब्रेन से के बाहर से दो पोटेशियम आयन अंदर आते हैं और सेल मेम्ब्रेन के अंदर से बाहर तीन सोडियम आयन बाहर जाते हैं थ्रू द एटीपी हाइड्रोलाइजेशन। ये सोडियम पोटेशियम पंप के अंदर होता है, इसके अंदर एनर्जी की रिक्वायरमेंट भी होती है और ये इलेक्ट्रिक गार्डियन के अगेंस्ट भी होता है। तो ये प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो गया। सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है कि ये डिपेंड करता है सोडियम पोटेशियम पंप, मतलब कि सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ऊपर टोटली डिपेंड करता है। अगर प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट प्रॉपरली हुआ है तब ही आगे सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट का प्रोसेस हो पाता है, वरना तो वो स्टॉप हो जाता है। तो ये बेसिकली दोनों एक दूसरे से ही जुड़े हुए हैं। इसके अंदर मेन सोडियम गार्डियन यूटिलाइज फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ द अदर सॉल्वेंट के ट्रांसपोर्ट के लिए यूटिलाइजेशन होता है सोडियम चैनल का। तो ये अगेन द सिंपोर्ट एग्जांपल, जैसा कि हमने देखा था सोडियम प्लस ग्लूकोज ऑल्सो दे विल बी गो इन थ्रू द इंटेस्टाइन एंड किडनी। तो ये हमने बात कर ली एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट के बारे में। अब हम बात करते हैं वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट के बारे में। वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट क्या है? ट्रांसपोर्ट द प्रोसेस अकर बाय द आइदर फ्यूजन और ऑफ वेसिकल एंड फॉर्मेशन ऑफ वेसिकल। इसके अंदर ये एक्टिव वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट है जो कि न तो इसके अंदर इलेक्ट्रिकल गार्डियन का कोई रोल है और न ही आयन मॉलिक्यूल्स का कुछ रोल है ना। इसके अंदर बेसिकली क्या होता है कि जो माइक्रो मॉलिक्यूल्स है एज लार्ज प्रोटीन मॉलिक्यूल, जो कि सिंपल डिफ्यूज़न या फैसिलिटेड डिफ्यूज़न ऑस्मोसिस के थ्रू सेल के अंदर या बाहर नहीं जा पाते, तो उनका ट्रांसपोर्ट होता है वेसिकल के थ्रू। वेसिकल के थ्रू ट्रांसपोर्ट कैसे होता है? ये टू टाइप्स के होते हैं, एक्सोसाइटोसिस एंड एंडोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस के अंदर क्या होता है? फ्यूज़न ऑफ वेसिकल विद द सेल मेम्ब्रेन। फ्यूज़न कैसे होता है कि जो कोई मॉलिक्यूल है जिसको कि सेल से बाहर जाना है, तो वो उस मॉलिक्यूल को पहले सेल से वेसिकल के अंदर ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे वो मॉलिक्यूल, फिर वो मॉलिक्यूल वेसिकल के अंदर हो गए, फिर वो जाके सेल मेम्ब्रेन के से अटैच हो जाते हैं, जैसे कि ये देख पा रहे हैं आप, ऐसे अटैच्ड हो जाएंगे वेसिकल्स, और जो वो मॉलिक्यूल्स हैं वो सेल के बाहर ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे और ये वेसिकल सेपरेट होके बाहर निकल जाएगी। ये जो है सिंपल
एक्सोसाइटोसिस का एग्जाम्पल था, ऐसे ही हम बात करते हैं एंडोसाइटोसिस के एग्जाम्पल के बारे में, जिसके अंदर होता है फॉर्मेशन ऑफ वेसिकल फ्रॉम द सेल मेम्ब्रेन। फॉर्मेशन होता है वेसिकल का फ्रॉम द सेल मेम्ब्रेन, जैसे कि कोई मॉलिक्यूल्स अंदर आना चाह रहा था तो वो वेसिकल के अंदर अटैच हो गया, फिर वो सेल मेम्ब्रेन के ऊपर आया, जाके एक स्पेसिफिक स्पेस उसको प्रोवाइड होता है, जाके वो वेसिकल से अटैच्ड हो जाए तो ऐसा कुछ वो अटैच्ड हो जाता है और उसके अंदर ये सब्सटेंस या मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं। फिर जो वेसिकल है वो सेपरेट हो जाती है मेम्ब्रेन से, अलग होके कुछ इस तरह से आ जाती है और फिर वो मॉलिक्यूल सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट कर दिए जाते हैं। ऐसे ही ये प्रोसेस चलता रहता है, अंदर से बाहर और बाहर से अंदर मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्ट होता रहता है। तो ये वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट का एग्जांपल हो गया ये प्रोसेस। ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन हमेशा एक्टिवली चलता रहता है, बिकॉज जब तक हम जिंदा है तब तक ये प्रोसेस कंटिन्यूसली चलता रहेगा, बिकॉज सेल को न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है, हॉर्मोन्स, बहुत सारे मॉलिक्यूलर स्ट्रेस जनरेट होते हैं सेल के थ्रू। सेल के थ्रू ही जेनेटिक मटेरियल एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक जाता है, सारे हॉर्मोन्स, गैस्ट्रिक, सारे सेल के थ्रू ही आगे ट्रांसपोर्ट होते हैं। तो बेसिकली ये सारा ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म है वो चलता रहता है कंटिन्यूसली। तो सेल ट्रांसपोर्ट मेम्ब्रेन के थ्रू हमेशा कंटिन्यूसली चलने वाला प्रोसेस है। सो, मैंने इस वीडियो के अंदर बहुत सिंपलीफाई तरीके से सब कुछ समझाने की कोशिश की है, इसमें मैंने आपको एक बेसिक नॉलेज दे दी है ट्रांसपोर्ट के बारे में, सेल के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है, प्रोटीन चैनल के बारे में बता दिया है, लिगेंड गेट्स के बारे में बता दिया है, कैरियर प्रोटीन के कितने टाइप होते हैं, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक के टाइप्स ऑफ कैरियर प्रोटीन, यू ऑल्सो रिमेंबर दैट। फिर मैंने आपको इसके अंदर एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट के बारे में एक सिंपल डेफिनेशन के थ्रू समझा दिया है। आई होप आप सभी को ये पसंद आया होगा, मैंने बहुत सिंपलीफाई तरीके से समझाने की कोशिश की है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी, लाइक माई वीडियो, शेयर, कमेंट, और कोई भी प्रॉब्लम हो इस टॉपिक के बारे में है या किसी भी अदर रिलेटेड फॉर द सब्जेक्ट ऑफ बायोलॉजी, तो प्लीज़ कमेंट मी, एंड थैंक यू सो मच अगेन फॉर लिसनिंग मी। थैंक यू गाइज़।